तो उल्टी सूदी बने बनाए काम बिगाड़ लेते हो, खाए धोए जाते खुजाए बेगू ना लिवट जाते हो, खाए बेगू खुजा खुजा घूर निकाल लेते हो। पहले तो आदमी आलू कच जाते हो, नबे कोल्ड में धत जाते हो, गैस कम छूटे तो सच जाते हो, हल्को पूरा आदमी जहर खाए के मच जाते हो। आदमी बनो चालू गहराई कर रहो, आलू एक साल ऊपर से पानी पड़ेगो, आलू खेत में ही सरेगो, बात सही सांझ को किसान मरेगो, लास्ट में आगे बड़े बाजार आलू बिको 1,000 तो एक आधे मिली लाज जा। एक साल ज़्यादा तेजी आएगी कट्टा पे तो फिर कुछ किसान भाज गए भट्टा पे, तब कह दिया चांद घुटा कर नफा, सामन शैम्पू तेल बचा, सिरपट खोपड़ी सिर सफाओ, चारों लंगते नफा ही नफा। फिर कह दिया सब ते कम खच्चा दो लिया बकरिया बच्चा, होल होले है जाओ टैना खूब मारो रबड़ी और मारो छेना, मैट चरे पराई चर की छिड़िया घर को आई काउआ तो गुनाए, घाटो पिसाई बिंजानो पर आटो सब कट जाओ, बवंडर भरवानों पर गैस सिलेंडर, दूध मारो तू छाक लट्ठ लेके बने धाग, दूध ले बैठे पड़ोसी को, खेत बहनावा करवा पड़ोसी को। तो ये तो रहो फायदा नुकसान का है कि ग्वारिया ने रामायण बैठारी, रामायण बैठवी की देन भाई जब तो बकरियन में आएगी बीमारी। पहलो शुरू हुआ पाठ तो बकरिया मर गई आठ, जैसे ही पाठ पहुंचो लंका आधी बकरिया मरवे की शंका, जैसे ही रामायण को है एंडो बकरियन को बजगो एंड। बच्चों एक बच्चा मैं कतरे बोलो ग्वारिया बोलो निकालू रामायण, एक चौपी को ना भसम है जागो, फिर कह दी क्या व्यवहार दे। तो एक दरोगा जी बड़े हैवान थे, गांव वाले उनसे बड़े परेशान थे, जब भी गांव में गाड़ी आती तो भर के भेड़ बकरियों को ले जाती। हमने कहा दरोगा जी थे क्या अपने पतन का बिगाड़ करेंगे, हमारे साथ में चलो मेरन का शिकार करेंगे। दरोगा जी के मुंह में आ गया पानी और हमारी हेटो नहीं जा रही थी कहानी। हम दोनों आगे को बढ़ गए और अलग अलग पेड़ पे जाके जंगल में चढ़ गए, हमने पेड़ की लगाई आड़ और शेर की सुनाई धार, दरोगा जी के अरमान फिर गए और धड़ाम से दरोगा जी नीचे गिर गए। बंद भाई सब लेक्चर, हाथ पैर टूटे लग हड्डी नम फ्रैक्चर, दरोगा जी बड़ी खराब मट्टी खटिया में डरे घबरा में डर रही है टट्टी, मानिया कभी भी हिरन का शिकार नहीं करेंगे, शायर के भी चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो कह दिया है पहले जमाने में टीवी चलती सफेद आदमी ने गुना मान तुभेद, फिर टीवी चल गई रंगीन तो कोई कहा को संगीन, विदेश से आई गई सीढ़ी बाय देख के माइना की सब बिगड़ गई पीढ़ी, फिर बाकी बाद में चालू हुए जे मोबाइल हाल खबर 20 मरे 30 गाय, एक और जाम लगवाए रहे एफएम आदमी चैन नैक आउट है मध्यम गान नहीं सुन रहे, अब जगह जगह लग गए टावर, अब सबकी जेब में पावर रोका कोई ना खा रहो, भैंसा ही तरह रोक रहे कच्चा दूंगा पोंक रहे। सब कह रही है यही वीडियो बढ़िया। तो जब कह दिया तुम आता हूँ 20 दिन तार हो लग जाए के बाद थे चुपचाप बहू लिया वे ब्याहते दो दो न करे उजड़ी कहानी हो चाहे कुबड़ी अपे आपे अपे आप से मारे मोहल्ला परोस में कुछ चक्कर न मारे मोहल्ला परोस में चक्कर मारो को भटकाए देगो गोली देगो पीछे थे मैं कि मैं चटकाए देगो पट्टी पट्ट मर गए और मेरे नाम कर गए। तो एक रिक्शा वाला फुल दारू पी के खड़ो, दरोगा जी आए बोले कि अबे वहां तक रिक्शा ले चलेगा, तो रिक्शा वाला बोलो पहले ये बताओ फर्स्ट क्लास में बैठोगे या सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में, दरोगा बोला अबे रिक्शे में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास होता है, रिक्शे वाला बोला होता है, मान कि फर्स्ट क्लास क्या है, फर्स्ट क्लास ये आराम से चलाऊंगा झारूंगा पहुंचूंगा आराम से चलाऊंगा पलट जाए तो मेरी गारंटी है, मानी अच्छा सेकंड क्लास क्या है, दरोगा बोला सेकंड क्लास क्या है, सेकंड क्लास ये है झारूंगा पहुंचूंगा यानी धुआंधार चलाऊंगा पलट जाए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, अच्छा थर्ड क्लास क्या है कि थर्ड क्लास ये कि साले चलाओगे तुम वो बैठेंगे, मान की इसका तो बहुत कर रहा काम, तभी तो कह दिया है कि काम रह जाते हैं अधूरे मौत के दिन रह जाते हैं पूरे, देख जा दुनिया के लाखों रंग चिंता बैरे ना मरी नजरी चिता के संग। बात वही है कि चढ़ गया खजूर पर और चढ़ गया खजूर पर ध्यान मेरा खो गया, गिर गया ऊपर से चकना चूर हो गया, नशे मेरी खून की यों ही बह गई और पीछे मुड़ के देखा मेरी तो हड्डियां पड़ी रह गई, तो देखते ही देखते जमाने को धोखा दे गया आ गया कुत्ता कहीं से मेरी हड्डियों को उठा ले गया, मैंने कुत्ते से पूछा अभी कुत्ते तुझे क्या मजा आ रहा है जो चबा चबा कर तू मेरी हड्डियों को खा रहा है, तो कुत्ते ने जवाब दिया दर दर पे डोलू को डाले नहीं मुझको रोटी हड्डी भी चबाने से जाऊँ जो कहीं मिली नहीं मुझको बोटी, तो मैंने देखा जमाने में कोई भी ना अपना था अचानक मेरी आंखें खुली है तो एक सपना था, तो शुभ समाचार सपने के पाए और लौट के बुद्धू घर को आए तो कछु ना जा दुनिया में मास्टर बाबा बता दे खुद मास्टर परशुराम दर परशुराम दर। तो एक समय की बात थी एक स्कूल में पढ़ाई चल रही थी और हिंदी का पाठ पढ़ा रहे थे मास्टर, तो सीता विवाह पढ़ा रहे थे क्लास में, हुआ ऐसा कि डिप्टी साहब चेकिंग के लिए आ गए, जैसे डिप्टी साहब पहुंचे स्कूल के अंदर तो डिप्टी साहब ने कहा मैंने क्या हो रहा है क्लास के अंदर जाकर क्या हो रहा है, तो टीचर बोले टीचर बोले हिंदी का पाठ पढ़ाया जा रहा है सीता विवाह पढ़ा रहे मानी अच्छा सबसे होशियार बच्चा कौन सा खड़ा हो जाए, तो एक बच्चा खड़ा हो गया मानी मैं हूँ सबसे होशियार, मान की अच्छा
डिप्टी साहब बोले उससे ये बताओ कि परशुराम का धनुष किसने तोड़ा था, कोई बता ही नहीं रहा है। परशुराम का धनुष किसने तोड़ा तोड़ा था? तो लड़का बोलो भैया मैंने तो तोड़ो ना, और कोई तोड़ रहा हो। मान कि इस बच्चे को मैंने ये पूछा है कि परशुराम का धनुष किसने तोड़ा, ये बता ही नहीं रहा है। टीचर बोले साहब देखो साहब जा क्लास में, गारंटी ले रहा हूँ जा क्लास में काम ना, और कोई क्लास को तोड़ रहा हो। डिप्टी साहब बोले जब हिंदी की क्लास में इतनी घफलेबाजी चल रही है तो इंग्लिश की क्लास में तो और ज्यादा घफलेबाजी चल रही है। डिप्टी साहब जैसे इंग्लिश की क्लास की तरफ गए, वो टीचर एबीसीडी जेड तक नहीं जानते, तो वो पढ़ा रहे थे महेंद्र की। वो तो बच्चा दिन रात रटते रहे वह चीजें। जैसे प्रिंसिपल साहब आए, वो आए जो डिप्टी साहब, उन्होंने कहा क्या हो रहा है? मानी इंग्लिश का घंटा चल रहा है, घंटा मानी अच्छा सबसे क्या क्या पढ़ रहे हो बच्चों? बच्चों ने कहा कि साहब एबीसीडी पढ़ रहे हैं। मान गया अच्छा, तो डिप्टी ने ये बनाई ये क्या है? सभी बच्चे चिल्ला के बोले तस्सिंग की बहू। मान बी बनाई ये क्या है कि वीरेंद्र की बहू, और सी बनाई ये क्या कि शीलेंद्र की बहू। तो डिप्टी साहब बोले कि ये पढ़ क्या रहे हैं बच्चे? गुस्से में आकर डिप्टी साहब ने क्या किया कि डब्लू को बना दिया, डब्लू बना दिया। तो डब्लू को बच्चे पहचाने नहीं। फिर भी एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब लगे तो ये महेंद्र की बहू, ये पर तो मुझे उल्टी टांगे थे। डब्लू को मिटार कर वो बच्चे ने एम को बना दिया। उसका डुप्टी का बड़ा दिमाग खराब हुआ, नहीं बच्चे पढ़ के आ रहे। प्रिंसिपल साहब के पास में पहुंचा, हेलो मैंने फलानी फलानी क्लास में ये पूछा था कि परशुराम का धनुष किसने तोड़ा, कोई बता ही नहीं रहा है। संतरे हो? प्रिंसिपल साहब बोले माने कि ऐसा है परसों दर बच्चों तो दो बच्चन ने, और आज धनुष तो दो हो तो कोई बड़ी बात ना, हम नौ बनवा देंगे, चाय पानी पियो और रपट हो जाते। आकाशवाणी के बकवास समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।